नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं अभिलाषा। स्वच्छ भारत स्वच्छ गंगा का अभियान कुशीनगर में है। औरंगाबाद से शुरू हुई इको पदयात्रा अब अपने पड़ाव पर है। एपीएन भी इस मुहिम में लगातार साथ है और द्रुक्पा जी की टीम तमाम समस्याओं और चुनौतियों के बावजूद सर्वधर्म इको पदयात्रा को आगे बढ़ाते हुए हर पड़ाव को कुशलता पूर्वक पार करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। फिलहाल कुशीनगर में इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से यहां उत्साह है इस पदयात्रा को लेकर वो तस्वीर आप देख सकते हैं। पदयात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और कुशीनगर अब पहुंच चुकी है। क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही है इस पदयात्रा जागरूकता अभियान के मद्देनजर जाने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के पास। अभिषेक, कुशीनगर में जो कि खुद कणकण में कहते हैं यहां बुद्ध हैं, मौजूद हैं, वैसे में जब बौद्ध गुरु ग्यालवांग द्रुक्पा पहुंच रहे हैं अपने अनुयायी के साथ इस पदयात्रा की लंबी यात्रा को करते हुए, कितना उत्साह है वहाँ? देखिए अभिलाषा, बिल्कुल बहुत अहम सवाल आपने किया। बुद्ध या मैत्रेय, दोनों ही एक ही चीज हैं और यहाँ पर देखकर जो यहाँ के लोग हैं उनका जो रुझान है देखने को मिल रहा है वो काफी जबरदस्त है। यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। साफ सफाई की अगर हम बात करें तो जिस तरह से बौद्ध धर्म के लोग जो द्रुक्पा गुरु हैं वो अपने साथ तमाम अनुयायियों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और उन्हीं के साथ जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि यहाँ कुशीनगर की हम बात करें तो तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्या आम आदमी और क्या समाज सेवी, तमाम लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जिनसे हम बात की कोशिश करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पर हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह साफ सफाई की जो कल्पना की जा रही है वो साकार हो रही है? पहली चीज तो अभिषेक जी, बड़ी मैं धन्यवाद दूंगा एपीएन न्यूज को, धन्यवाद दूंगा इसके लिए। वैसे अपने आप में कुशीनगर एक ऐसा जगह है जो हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व के मानचित्र पे कुशीनगर भगवान बुद्ध की नगरी अपने आप में एक ऐसा जगह है जहां पे देश विदेश के तमाम लोग आते हैं। भगवान बुद्ध की नगरी को आपने और महत्वपूर्ण बना दिया कि एक स्वच्छ भारत और स्वच्छ गंगा जो अभियान लेकर के मोदी जी ने संकल्प लेकर के जो चला हुआ है, जो यहाँ से शुरुआत हो रही है, खास करके हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि एपीएन न्यूज़ के माध्यम से ये सारी चीज़ें विश्व लेवल पर, मतलब बाहर के लोग भी इस चीज़ को जानेंगे समझेंगे और उसको जो अभियान लेकर के चले हैं कहीं ना कहीं ये हमको भी टच करता है। हम भी इस चीज़ से जुड़ना चाहते थे और हमको एक मार्गदर्शन दिखाने का काम किया एपीएन न्यूज़ में और मैं बार बार धन्यवाद दूंगा एपीएन न्यूज़ को। पहले मैंने कहा और अब भी कहता हूं कि जहां तक रही बात यहां के लोकल लोगों की, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, किसी राजनीतिक दल से हो, कोई किसी राजनीतिक धर्म या धर्म से, जाति से, राजनीति से बिलोंग नहीं करता, बल्कि आज के समय में यह लोगों ने देखा है कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ गंगा का जो अभियान लेकर के चला है नरेंद्र मोदी जी ने, उसके साथ सारे लोगों को मिलकर के एक साथ, चाहे कोई खिलाड़ी हो या समाज सेवी हो, चाहे राजनेता हो, सब लोग एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत, कोई जाति कोई धर्म नहीं है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरह से यहां पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, किस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर हाथ बटा रहे हैं, जिस तरह से एपीएन की जो मुहिम है वो लगातार रंग ला रही है। एपीएन ने जिस तरह से संकल्प लिया था कि यहाँ पर काफी स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत को जो अभियान की जो शुरुआत हो रही है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाकायदा मंच बनाने की तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई बाकायदा की जा रही है। सिर्फ यही नहीं, जो आसपास के लोग हैं उनसे भी हम जाने, पाठक जी हमारे आप जाना चाहेंगे, जिस तरह स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत के अभियान की शुरुआत एपीएन कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इससे क्या वाकई में कुशीनगर को साफ किया जा सकता है, यहाँ के मोहल्ले, यहाँ की जो गलियां हैं उनको साफ किया जा सकता है? एपीएन न्यूज़, धन्यवाद दूंगा मैं, जो पहल एपीएन न्यूज़ ने किया है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उस एपीएन न्यूज़ को। और भारत स्वच्छता अभियान के तहत कुशीनगर में तथागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, यहाँ तो साफ सफाई होना बहुत बड़ी बात है। जो कुशीनगर के इस शांति के उपदेश को भगवान बुद्ध ने दिया था, यहाँ से शांति का उपदेश लेकर के हम पूरे विश्व में साफ सफाई का अभियान करने जा रहे हैं, पूरे प्रचार करने जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में साफ जो सफाई अभियान स्वच्छता स्वच्छ भारत को साफ सुथरा करने के लिए जो बीड़ा उठाया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए उनको बहुत साधुवाद है। और एपीएन न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जो इतना बड़ा पहल, इतना बड़ा कार्यक्रम कुशीनगर में करवा रहे हैं और साफ सफाई स्वच्छता स्वच्छ भारत को, स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत का जो पदयात्रा सारनाथ से और लुमिनी तक निकलना है, बहुत लंबा पदयात्रा है,
उसके लिए धन्यवाद देता हूं मैं एपीएन न्यूज को, जिन्होंने जन जन तक पहुंचाने का काम किया स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। स्वच्छ भारत स्वच्छ गंगा अभियान जो है वो किस तरह से चल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, हमारे सहयोगी से मैं कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, किस तरह से साफ सफाई का काम किया जा रहा है। और सबसे अहम चीज देखने को मिल रही है कि सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि यहाँ पे जो आम लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, आगे से आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका भी सपना है कि काशी साफ हो और काशी के साथ साथ पूरा देश साफ हो। सिर्फ यही नहीं, कुशीनगर साफ हो, क्योंकि कुशीनगर में जिस जगह पर खड़े हुए हैं कल यहाँ की स्थिति कुछ और थी और आज यहाँ की स्थिति और है। हम आपसे जानना चाहेंगे, कल हम देख रहे थे इस जगह की स्थिति कुछ और थी और आज यहाँ पर कुछ और है, किस तरह से महसूस करते हैं और किस तरह से साफ सफाई को आगे बढ़ाने को और चेतावनी देने की क्या बात करेंगे? सबसे पहले तो मैं एपीएन न्यूज और द्रुपा ग्रुप को धन्यवाद देना चाहूंगा कि स्वच्छता अभियान के माध्यम से इस कुशीनगर तक पहुंचे। जिस हिसाब जैसे भगवान बुद्ध ने संदेश दिया पूरे विश्व को, उस तरीके से द्रुपा ग्रुप और एपीएन न्यूज ने पूरे लगभग विश्व और खासतौर से कुशीनगर के जनपद वासियों को झकझोर करके रख दिया है और सब दृढ़ संकल्पित हैं कि आज के इधर गंदगी का समूल नाश कर देंगे, चाहे वो गंगा की गंदगी हो या कुशीनगर जनपद की गंदगी हो, राजनीतिक गंदगी हो या सामाजिक गंदगी हो। लेकिन बहुत अहम बात कही, चाहे सामाजिक गंदगी हो, चाहे वो यहाँ पर कूड़े कचरे की गंदगी हो, इन सारी चीजों को साफ करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। और हम अपने सहयोगी से एक बार फिर से कहेंगे, अभिलाषा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह से कार्यक्रम की जो तैयारी हो रही है। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा साफ सफाई का पूरा जोर शोर से अभियान चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, और यहाँ पर भोजपुरी दंगल जो है वो भी यहाँ पर आज शाम को होना है। यहाँ पर जो विजेता होंगे उनको बाकायदा एपीएन न्यूज चैनल के मंच से, एपीएन न्यूज चैनल के माध्यम से उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। हम सहयोगी से कहेंगे, सामने जिस तरह से आप बैनर और पोस्टर्स देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों की जो भीड़ लगेगी अभी कुछ देर बाद, यहाँ पर भोजपुरी दंगल होना है और उसमें जो भी विजेता होना है उसको एपीएन मंच अपना प्रदान करेगा। अपने मंच के जरिए एपीएन में यहाँ पर उसको पुरस्कृत किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, जो लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं उनका सीधे तौर से है एपीएन की हर जगह सराहना इस बात भी हो रही है कि एपीएन ने जो आज कुशीनगर को साफ सुथरा करने का, स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत का जो संकल्प और जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ज्यादा अहम है। जो इनिशिएटिव एपीएन का है वो दूर दूर तक सराहा जाएगा और हर संभव लोगों का प्रयास रहेगा। यहाँ के आम लोग हैं जो यहाँ के समाज सेवी हैं उनका भरसर प्रयास यही रहेगा कि इस जो संकल्प, ये जो संकल्प है इसको आगे और बढ़ाया जाए और इसको कहीं भी रुकने ना दिया जाए बल्कि लगातार और सतत रूप से जारी रहे। अभिलाषा बिल्कुल, अभिषेक कुशीनगर में हैं आप और बुद्ध की निर्वाण स्थली है यहाँ पर। कहते हैं कि उनके जीवन में दो बार भोजन का बहुत ही महत्व था, एक बार बोध गया में जब उन्होंने खीर खाई और उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और कुशीनगर जहाँ अंतिम बार उन्होंने भोजन किया और उसके बाद निर्वाण को प्राप्त हुए। कहीं ना कहीं ये जो पूरा बुद्ध सर्किट जहाँ हमारी पदयात्रा चली है वहाँ पर कण कण में बुद्ध का ज्ञान समाया हुआ है, उन्होंने जो संदेश दिया है वो समाया हुआ है। क्या कुशीनगर में वो चीज़ें देखने को आपको मिली? पूरे शहर की अगर बात करें तो वहाँ पर स्वच्छता उस तरह से देखने को मिली? किस तरह से अपने जीवन को बुद्ध के दिए ज्ञान से वहाँ के लोग जोड़ कर रखे हुए हैं? देखिए बिल्कुल अभिलाषा, जिस तरह से आपने बताया कि कहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ उन्होंने अपने प्राण त्यागे और किस तरह से उन्होंने किस चीज़ को बेहतर किया। अगर हम बात कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर कणकण में बुद्ध विराजमान है। अगर बात करें यहाँ पर लोगों की तो हर जगह बुद्ध ही बुद्ध है। यहाँ पर बुद्धा कॉलेज है, यहाँ पर बुद्ध से सारी रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बात कही जाती है कणकण में बुद्ध हैं, यहाँ पर बौद्ध से ही सारी चीज़ें हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो बौद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो यहाँ पर साफ सफाई है वो बेहतर है या इसमें कुछ और भी गुंजाइश की जरूरत है? देखिए अभिषेक जी, सही बात तो यह है कि हमारी अपनी पहचान, भगवान बुद्ध की धरती से हमारी अपनी पहचान है। अगर कुशीनगर जनपद से कोई भी राजनेता हो, विद्यार्थी हो, कलाकार हो, चाहे कोई भी जाता हो, उसकी पहचान भगवान बुद्ध से है। हम यह जरूर कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध की नगरी से आए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा अपना एक नैतिक दायित्व बनता है, हमारा अपना कर्तव्य बनता है कि हम बढ़ चढ़ के सफाई के अभियान में शामिल होकर के और इसको स्वच्छ बनाएं। और निश्चित तौर पे ये अभियान चला है और यह जो अभियान एपीएन न्यूज ने चलाया है, बार बार हम उसकी सराहना इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे अपने राजनीतिक जीवन कह लीजिए, सामाजिक जीवन कह लीजिए, पहला एक न्यूज चैनल है जो व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल यहाँ आकर के जो लांबाओं का एक ग्रुप 27 देश के, जैसा मुझे पता चला 27 देश के लांबा ध्रुपद जी आ रहे हैं, 27 देश के लांबा आ रहे हैं यहाँ पे, उन सारे लोगों के लिए सब कुछ चाहे
चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से, चाहे सफाई के माध्यम से, कुशीनगर को विश्व प्रख्यात बनाने में सबसे आज के डेट में सबसे बढ़िया जो सहयोग किया है एपीएन न्यूज़ में, कोटि कोटि धन्यवाद एपीएन न्यूज़ को। और मैं एक बार और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप जो ये मुहिम यहाँ से शुरू किए हैं यह समाप्त होने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर हमारा अपना भी दायित्व बनता है और यहाँ के सारे लोगों से हम अपील करना चाहेंगे, चैनल के माध्यम से, यहाँ के लोगों के माध्यम से, यहाँ राजनेताओं के माध्यम से, सामाजिक लोगों के माध्यम, तमाम संगठनों से, आप बढ़ चढ़ करके एपीएन न्यूज़ के इस मुहिम को और आगे लेकर के जाएं ताकि स्वच्छ भारत और स्वच्छ गंगा का जो संकल्प मोदी जी ने दिया वो पूरा हो। अभिलाषा, मैं आपसे बताऊंगा कि जिस तरह से आप पीछे एक ध्वनि सुन रहे हैं, ये ध्वनि है भोजपुरी दंगल की। बस कुछ ही देर बाद यहाँ पर भोजपुरी दंगल शुरू होने वाला है। हमारे साथ वो प्रतिभागी यहाँ पर इस समय मौजूद है जो इन सारी चीजों को बढ़ चढ़ कर रहा है, बाकायदा इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। किस तरह से होगा, क्या होगा और किस तरह से देख रहे हैं इन सारी चीजों? जी सर, इस साइड में, बिल्कुल सर, इस साइड में चारों तरफ से बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। इनका बच्चों का कुछ दिन पहले ऑडिशन हुआ था जिसमें दूर दराज के गांव की प्रतिभाएं जो कि निखर नहीं पा रही हैं, उन प्रतिभाओं के लिए एक मंच दिया गया है। और सबसे बड़े मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एपी न्यूज़ को, जिसके माध्यम से हमारे विनय भैया और हमारे पूरे क्षेत्रीय ग्रामीण के लोगों ने भी सपोर्ट किया इस चीज को। चलिए अभिषेक, हम वक्त वक्त पे आपके पास लौटते रहेंगे ये तमाम हलचल जानने के लिए। वहां पर लोगों के बीच जो खुशी है, जो उत्सुकता है और जो जागरूकता फैली है पदयात्रा के जरिए, उसे जानने और समझने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।